मेरा नाम अराफात मिनहास है, मैं मुल्तान से हूँ, मैं मुल्तान में ही पैदा हुआ। मैंने अपनी क्रिकेट जर्नी भी मुल्तान से शुरू की, क्रिश्चियन क्रिकेट क्लब से मैंने अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट की। पहली दफ़ा मैंने लेदर बॉल क्रिकेट 8 साल का था जब मैंने शुरू की। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अंडर 13 खेला, अंडर 16 खेला और अब अंडर 19 खेल रहा हूँ। मेरा अंडर 19 का लास्ट ईयर था और मुझे मौका मिला है पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड कप में जो होने को जा रहा है साउथ अफ्रीका में। बहुत एक्साइटेड हूँ इस वर्ल्ड कप के लिए और इस इवेंट के लिए, और बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपनी कंट्री को सर्व कर रहा हूँ इस मेगा इवेंट में। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है और बहुत ऑनर की बात है कि हम अपने मुल्क के लिए एक इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। अंडर 13 से, अंडर 16 से, अंडर 19 से मैं एज ऑलराउंडर ही खेल रहा हूँ। जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है अभी तक, उसमें मेरे दोनों चीज़ों को इक्वली मैनेज किया है और दोनों चीज़ों को इक्वली साथ लेके चल रहा हूँ, दोनों चीज़ों को इक्वली टाइम देता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ मुझे बहुत एडवांटेज भी देती हैं और मैं दोनों चीज़ों में, दोनों स्किल्स में अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ कि मैं दोनों चीज़ों में परफेक्शन ला सकूँ। कॉपी करने की मैं किसी को कोशिश नहीं करता पर्सनली, लेकिन मैं जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो उनकी अच्छी चीज़ें होती हैं वो पिक करता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। पर्सनली मैं किसी को फॉलो नहीं करता। आई थिंक मैं बैट्समैन को रीड करता हूँ, बैट्समैन की जो स्किल्स हैं या बैट्समैन का जो स्ट्रॉन्ग एरिया, मैं उसको रीड करता हूँ, उसको पिक करता हूँ और उस हिसाब से मैं अपना प्लान करता हूँ कि मैंने कहाँ पे बैट्समैन को बॉल करना है। और आजकल की क्रिकेट में यही चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव रहती है कि आप जितनी जल्दी बैट्समैन की लाइन लेंथ उसको डिस्टर्ब करो और उसकी वीकनेसेस को पकड़ो, तो ये हम लोगों को एडवांटेज मिलता है। जिस नंबर पे मेरी बैटिंग आती है, मैं मिडल ऑर्डर में खेलता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपने टीम को लेके भी चलना होता है और कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, तो आपको इस सिचुएशन में नीचे से जाके और अच्छा स्कोर करना पड़ता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता है। तो मैं जब भी अपनी बैटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करूँ और इम्पैक्टफुल इनिंग खेलूँ ताकि टीम को फ़ायदा हो। बैटिंग में मेरी, मुझे जहाँ तक लगता है मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं दोनों चीज़ों को इक्वली कर लेता हूँ। जब आपको स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत होती है तो मैं स्ट्राइक रोटेशन कर लेता हूँ, और मेरे अंदर हिट मारने की एबिलिटी है, मतलब मैं बड़ी हिट्स अच्छी खेल लेता हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों को इक्वली मैनेज करता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन की डिमांड होती है कोशिश करता हूँ कि उस हिसाब से खेलूँ ताकि टीम को फ़ायदा हो। जिस तरह बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं मैं उन सबको साथ लेके चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको जो चीज़ मुझे पता है और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बताऊँ और उनको उस चीज़ से, ऐसी सिचुएशन जिससे मैं गुजरा हूँ पास्ट में, या जितनी मैंने क्रिकेट खेली है और जितना बाकियों से ज़्यादा मुझे अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं उनको साथ साथ गाइड करता रहता हूँ जहाँ पर भी उनको ज़रूरत होती है। बाकी जो हमारा बंच ऑफ प्लेयर्स है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यंग लड़के और काफ़ी हर बेसिकली हमारी हर बॉक्सेस टिक हैं, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स, हमारे ऑलराउंडर्स, हमारे फास्ट बॉलर, सारा डिपार्टमेंट हमारे स्ट्रॉन्ग है और हम एक अच्छा बंच ऑफ प्लेयर्स हैं। बेसिकली हमारी शुरू से, जब से हम लोगों का स्क्वाड अनाउंस हुआ इवन के एशिया कप में भी, हमारी एक ही अप्रोच से हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमने एक पॉजिटिव अंदाज में क्रिकेट खेलनी है, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलनी है और एक अच्छे अच्छी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। और हमारा एक ही फोकस है कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीतना है और हम लोग जीतने के लिए ही खेल रहे हैं।